हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए एमएससी फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसे हिंदी में श्रोडिंगर तरंग समीकरण भी कहते हैं। आइए आज हम इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं। और मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन। डी ब्रोगली की कल्पना ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर आइटम का एक नया मॉडल सन 1920 के आसपास प्रस्तावित किया गया, जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में घूमता हुआ ना मानकर किसी विशेष स्थान में इसके पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पर बल दिया गया। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, और यदि ये आपको नोट्स बनाने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप इस वीडियो, आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाती तो आप इसे पॉज कर करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। किसी आइटम में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर की तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार ड्यूअल नेचर, या तो पार्टिकल में होते हैं तो वेव में होता है। ये देखो, पार्टिकल में छोटे छोटे या तो मॉलिक्यूल में होंगे या तो आइटम में होंगे, और वेव में वेव मतलब तरंग में, ये पदार्थ में पार्टिकल या वेव के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। इसके आगे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल के अनुसार। देखिए, इन्होंने सब ने अपने अपने अलग अलग राय दिया है। अकॉर्डिंग टू हाइजन अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इसमें इन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निश्चित होती है। फिर हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे। ये मैन है डेरिवेशन, ये अक्सर ये इसको आपको मतलब पूरी तरीके से इसको आपको लिखना ही होगा, तभी आपको एग्जाम्स में फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। 6 या 8 नंबर का ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका समीकरण हम देखेंगे, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन प्लस अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस टू ई माइनस बी साई बराबर जीरो। ये समीकरण है, हमको इसी को ही निकालना है, जहाँ पर एक्स वाई जेड निर्देशांक स्पेस कोऑर्डिनेट, ये क्या है, एक्स वाई जेड निर्देशांक के स्पेस और स्पेस कोऑर्डिनेट के। फिर एम बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच बराबर प्लैंक स्थिरांक प्लैंक कांस्टेंट, ई बराबर इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा टोटल एनर्जी, बी बराबर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, और साई बराबर तरंग फलन वेव फंक्शन। कुछ कुछ लोग कहते हैं ये इक्वेशन या समीकरण बहुत ही टफ है, बट इसको यदि हम इजीली समझ जाएंगे तो ये बहुत इजी है, बाकी कोई भी टफ नहीं है इसको। तो इसमें थोड़ा सा हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, एनर्जी बराबर के ई प्लस पी, के क्या है काइनेटिक एनर्जी और पी है पी पोटेंशियल एनर्जी, ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो आपको तो पता ही होगा गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, और अपनी स्थितिज ऊर्जा कौन सी है वी, आप देख सकते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस बी क्या है अपनी स्थितिज ऊर्जा, तो हम इसको बी लिखेंगे, ठीक है। और एम बराबर मास ऑफ इफेक्ट और बी बराबर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हम यहाँ देखेंगे, गतिज ऊर्जा को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, गतिज ऊर्जा को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखेंगे हम, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हाफ एम पॉइंट एम बी स्क्वायर अपॉन एम बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे एम बी स्क्वायर है तो हमने इसको क्या कर दिया, एम बी स्क्वायर से एम डॉट एम बी स्क्वायर एम बराबर हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन एम कर दिया। अब ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन एम बी होल
टू और अपॉन टू एम, ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर टू। एम बी की वैल्यू को डी ब्रॉली समीकरण एम बी बराबर एच अपॉन लैम्डा में इसे प्रतिस्थापित करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होता है। अब आपको डी ब्रॉली का समीकरण तो पता ही होगा, एम बी के वैल्यू को डी ब्रॉली समीकरण एम बी बराबर एच अपॉन लैम्डा से प्रतिस्थापित करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे या कह सकते हैं मेंशन करेंगे। तो हाफ एम बी स्क्वेयर बराबर, अब हम एम बी स्क्वेयर कर रखेंगे, हाफ एम बी स्क्वेयर बराबर क्या होगा एच अपॉन लैम्डा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा क्या था समीकरण नंबर टू क्या था हमारा, हाफ एम बी स्क्वेयर बराबर एम बी स्क्वेयर अपॉन टू एम, ठीक है। अब डी ब्रॉली समीकरण क्या है हमारा, एम बी बराबर एच अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हाफ एम बी स्क्वेयर वैसे का वैसे ही रहेगा, फिर एम बी में हमारा क्या आ जाएगा, ये एम बी में अपना आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा और फिर टू एम वैसे का वैसे ही रहेगा, अंडरस्टैंड। और ये टू था ये अपना अंकुश के बार होल्ड राइज हो जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लियर है। और फिर उसके बाद हाफ एम बी स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, फिर एच स्क्वायर ये हो जाएगा और फिर टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन टू लैम्डा स्क्वायर एम, ये हमारा वर्ग समीकरण नंबर थ्री हो जाएगा। अब समीकरण तीन का मान एक में रखने पर हमारा समीकरण तीन क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर टू लैम्डा स्क्वायर एम। अब हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या है, हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट ये है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। अब हमारा समीकरण में ये हमारा है समीकरण थ्री का मान वन में रखने पर, तो हमारा समीकरण क्या था, फर्स्ट क्या था हाफ एम बी स्क्वायर प्लस बी। अब हम किसका मान रख रहे हैं यहाँ पे समीकरण थ्री में, थ्री का मान एक में रखने पर, तो ई बराबर क्या हो गया हमारा एच स्क्वायर टू लैम्डा स्क्वायर एम प्लस बी, ठीक है। अब ई माइनस बी हमारा इधर हो जाएगा, यदि इस साइड आता है तो हमारा ये माइनस बी माइनस में चला जाएगा, तो ई माइनस बी बराबर एच स्क्वायर टू वैसे का वैसा रहेगा टू लैम्डा स्क्वायर एम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर फोर। हम इसको लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन टू एम ई माइनस बी, तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर पाँच। हमारा समीकरण नंबर पाँच निकल कर आ गया है। फिर आगे देखिए हम, कोई इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति में घूमता है, इसके लिए एक्स दिशा से में तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। फिर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर साइन अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर जीरो, समीकरण नंबर सिक्स। समीकरण पाँच में लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू समीकरण सिक्स में रखने पर, जो हमारी समीकरण पाँच निकला था उसकी वैल्यू हम कहाँ पे रखने पर, समीकरण पाँच से लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू समीकरण सिक्स में रखें। अब देखेंगे हम लैम्डा स्क्वायर साइन अपॉन लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर साइन टू एम एच स्क्वायर ई माइनस बी बराबर जीरो। फिर इस प्रकार से तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, फिर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर साइन अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर जीरो, ये समीकरण हमारा सिक्स हो गया। समीकरण पाँच से लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू समीकरण छः में रखें, तो ये हमारा हो गया डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर साइन टू एम एच स्क्वायर ई माइनस बी बराबर जीरो, ठीक है। अब ये हो गया डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर डॉट सॉरी मल्टीप्लाई टू एम एच स्क्वायर ई माइनस बी साइन बराबर जीरो, इसे इक्वेशन नंबर सेवन हो गया। अब ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फोर पाई एक्स स्क्वायर जो था वो अब मल्टीप्लाई होगा फोर पाई एक्स स्क्वायर टू एम, ये फोर पाई जो स्क्वायर सॉरी ये फोर पाई स्क्वायर है मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे जो डॉट का निशान है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा हमारा एट पाई स्क्वायर टू एम और ये हो जाएगा एच स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा हमारा एट ई माइनस बी बराबर जीरो, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब तीनों अक्षों एक्स वाई जेड के लिए
हमने ये अभी एक का निकाला, एक्स स्क्वायर का निकाला, हम वाई का भी इसी प्रकार निकालेंगे और जेड का भी इसी प्रकार निकालेंगे, तो ये हमारा इसी तरीके से रहेगा। तो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन निकल कर आया, तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल बाय स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल बाय जेड स्क्वायर प्लस एट बाई स्क्वायर एम अपॉन एस टू ई माइनस बी बराबर जीरो, श्रोडिंगर समीकरण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं आपसे कहना चाहूँगी यदि आपको कोई भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।